नेक्स्ट केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस, इस लेसन में हम लोग का नेक्स्ट कंसेप्ट है बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शंस। इससे पहले हम लोगों ने देखा कि केमिकल रिएक्शंस लिखते वक्त हम लोग को क्या क्या ध्यान रखना है, ओके वो सब हम लोगों ने देखा, या फिर केमिकल इक्वेशंस लिखते वक्त क्या क्या ध्यान रखना है वो सब। यहाँ पे हम लोग देखेंगे बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन को जब हम लोग बैलेंस करते हैं, ये आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है 2 मार्क्स के लिए या फिर 3 मार्क्स के लिए, केमिकल रिएक्शन दिया जाता है और उसको स्टेप वाइज बैलेंस करने के लिए बोलते हैं, तो बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन हम लोग यहाँ पे सीखने वाले, ओके। तो यहाँ पे उन्होंने एक सर्टन एग्जाम्पल देके आपके टेक्स्ट बुक में उन्होंने दिया है, एक एक स्टेप दिया है कि कैसे कैसे उसको बैलेंस किया, ओके। अभी टेक्स्ट बुक में यहाँ पे बहुत सारा लिखा है, उतना सब लिखने की जरूरत नहीं, ओके। थोड़ा थोड़ा कंटेंट लिखा, एक सर्टन जो जरूरत है वो दिखाया तो भी सफिशियंट है, आपको पूरा मार्क्स मिलेगा, ओके। तो नेक्स्ट अपना कंसेप्ट है बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शंस, ओके। अभी क्या लिखा जाता है बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन में, क्या लिखा जाता है, ओके। पहला तो देखने का जो रिएक्शन आपको दिया है, यहाँ पे हम लोग एग्जाम्पल जो टेक्स्ट बुक में दिया है वही एग्जाम्पल लेते हैं। मेरे पास ये रिएक्शन, कौन सा रिएक्शन, NaOH प्लस H2SO4, क्या प्रोडक्ट बनाता है वो, Na2SO4 प्लस H2O, ये प्रोडक्ट बनता है, ये मेरे पास रिएक्शन। ये है सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये है एसिड, ओके, डाइल्यूट या फिर कॉन्सेंट्रेट कुछ भी, ये है सोडियम सल्फेट और दूसरा ये है वाटर, ओके। तो ये रिएक्शन, इसको मुझे बैलेंस करना है। अभी बैलेंसिंग यानी क्या, जब आप जाते हो कोई भी प्ले ग्राउंड रहता है उसमें, अगर गार्डन रहता है उसमें आप देखो सीसॉ रहता है, बैलेंसिंग कब होगा, रिएक्शन बैलेंसिंग कब होगा, जब सामने वाला जो सीसॉ रहता है वहां पे दो सीट रहता है, एक उस तरफ एक इस तरफ, वहां का पर्सन का वेट और यहाँ के पर्सन का वेट अगर सेम रहेगा तो ही वो आप बोल सकते हैं कि वो जो सीसॉ है वो बैलेंस होगा, ओके। वहां का वेट ज्यादा है यहाँ का वेट कम है तो बैलेंस नहीं होगा, ओके। तो केमिकल रिएक्शन में भी वैसा होता है, बैलेंसिंग करते वक्त यहाँ पे जितने अमाउंट में जो भी यहाँ पे सब्सटेंस है वो जितने अमाउंट में होगा उतने ही अमाउंट में वो इधर होना चाहिए, यानी रिएक्टेंट में वो जितने अमाउंट में है, यानी रिएक्टेंट में उसके जितने नंबर ऑफ आइटम्स है उतने ही नंबर ऑफ आइटम्स उसके प्रोडक्ट में होने चाहिए। यानी सपोज मेरे पास यहाँ पे सोडियम है, यानी सोडियम है, ओके, तो यहाँ पे मेरा एक है तो वहां पे भी मेरा एक ही होना चाहिए, या फिर यहाँ पे जितने उतने ही यहाँ पे होने चाहिए, तो ही वो बैलेंस है, हम लोग ऐसा बोल सकते हैं। ऐसे सिर्फ एक आइटम नहीं, जितने भी आइटम उसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं रिएक्शन में उन सबका नंबर लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड में, यानी रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट में दोनों साइड में सेम होना चाहिए, तो ही हम लोग बोल सकते कि वो रिएक्शन बैलेंस है, ओके। तो हम लोग ये रिएक्शन बैलेंस करना स्टार्ट करते हैं। तो अपना फर्स्ट स्टेप क्या रहेगा, जब भी आपको एक क्वेश्चन आएगा फर्स्ट स्टेप आपका रहेगा कि जो रिएक्शन दिया हुआ है वो आपको लिखना है, ये आपका फर्स्ट स्टेप। फर्स्ट स्टेप क्या, आपका जो रिएक्शन दिया है वो आपको लिखना है। नेक्स्ट स्टेप क्या, सेकेंड जो स्टेप है ना, स्टेप टू, ये अपना स्टेप वन, जो रिएक्शन दिया है वो लिखो, वो स्टेप वन, ओके। स्टेप टू में आपको कहना है, पहला तो आपको देखना है कि कौन कौन से इसके अंदर एटम्स है वो आपको लिखना है, ओके। कौन है, सोडियम है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन है, सल्फर है, ऑक्सीजन है, आगे क्या देखना है वहां पे भी देखो, इसमें से यहाँ पे एटम्स होंगे, आगे क्या देखना है, इसके आगे आपको देखना है कि यहाँ पे वो जितने नंबर में है उतने ही नंबर में यहाँ पे है क्या, ओके। या फिर यहाँ पे जो जितने नंबर में उतने ही नंबर में यहाँ पे है, अगर है तो बैलेंस है, नहीं है तो बैलेंस नहीं है। जैसे कि मैंने सोडियम दिया यहाँ पे एक ही है, यहाँ पे देखो कितने, दो, बैलेंस नहीं है, यानी ये इक्वेशन ही अनबैलेंस है, एक भी अनबैलेंस है बैलेंस नहीं, तो इक्वेशन पूरा अनबैलेंस, ओके। तो स्टेप टू में क्या लिखना है, कंपेयरिंग द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट ऑन टू साइड ऑफ द इक्वेशन, ओके। क्या करने का है, स्टेप टू में कंपेयरिंग नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट ऑन
टू साइड्स ऑफ इक्वेशन। यहां पे मैं शॉर्ट में लिखता हूं, ओके, टेक्स्ट बुक में दिया है, स्टेप टू में क्या करने का, ओके, हम लोग को कंपेयर करने का, नंबर ऑफ आइटम्स प्रेजेंट ऑन बोथ साइड वो हम लोग को कंपेयर करने का, ओके। अब ये कैसे कंपेयर करने का, एक ऐसा सर्टन बॉक्स निकालने का, यहां पे ऐसा एक बॉक्स निकालने का, ओके। बॉक्स में क्या लिखना है आपको, पहला लिखना है यहां पे कौन कौन सा एलिमेंट है, यहां पे एलिमेंट लिखना है, यहां पे वो एलिमेंट रिएक्टेंट में कितना है, एंड प्रोडक्ट में कितना है, प्रोडक्ट में कितना है, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट में कितना है, ओके, वो लिखना है। अभी मेरे पास कौन कौन सा एलिमेंट है, यहां पे आएगा आपका एलिमेंट, एलिमेंट एलिमेंट कौन कौन सा एलिमेंट, तो मेरे पास एलिमेंट है सोडियम है, उसके बाद ऑक्सीजन है, उसके बाद हाइड्रोजन है, उसके बाद सल्फर है, ये सब मेरे पास एलिमेंट्स है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन सल्फर, ओके, ये सब मेरे पास एलिमेंट है। अभी मैं लिखूंगा कि रिएक्टेंट में कितने हैं वो एंड प्रोडक्ट में कितने, तो देखो रिएक्टेंट में ये एक है, प्रोडक्ट में ये दो है, ऑक्सीजन देखो इधर एक और इधर चार, रिएक्टेंट में कितने हो गए पांच, प्रोडक्ट में कितने चार प्लस एक पांच, हाइड्रोजन देखो ये एक और ये दो तीन हो गए, ओके, तो यहां पे तीन है, यहां पे कितनी है दो ही है, सल्फर देखो यहां पे एक है, यहां पे कितना है एक, ओके, तो ये आप जब लिखोगे नंबर ऑफ एटम्स लेफ्ट एंड राइट साइड के यानी रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के, तब आपको पता चलेगा कि कौन बैलेंस है कौन अनबैलेंस है, तो ये अनबैलेंस है, इधर एक है इधर दो, ये बैलेंस है, ये भी अनबैलेंस है, तीन दो अनबैलेंस है, ये भी बैलेंस है, ओके, तो इनका कुछ प्रॉब्लम नहीं, इसका और इसका कुछ प्रॉब्लम नहीं, बैलेंस हम लोग को इसको करना, ओके, मगर ऐसा कुछ नहीं, एक को बैलेंस करते वक्त दूसरा कभी कभी अनबैलेंस भी हो जाता है, ये भी आपको आगे, ओके, तो हम लोगों ने पहला क्या देखा, कंपेयर किया नंबर ऑफ आइटम प्रेजेंट ऑन टू साइड ऑफ द इक्वेशन। अभी कंपेयर करने के बाद हम लोग को पता चला कि कौन बैलेंस है और कौन अनबैलेंस है, तो आगे क्या करना है, आगे मुझे अभी बैलेंसिंग करना है, तो मेरा थर्ड स्टेप आएगा, उसमें क्या है, ओके, थर्ड स्टेप, नेक्स्ट स्टेप में स्टेप थ्री, स्टेप थ्री, ओके, ये सब टेक्स्टबुक में लिखा हुआ है, जो मैं आपको यहां पे लिखा रहा हूं टेक्स्टबुक में लिखा हुआ है, आप रिफर कर सकते हैं, यहां पे मैं थोड़ा शॉर्ट में लिखा रहा हूं, ओके, तो स्टेप थ्री, स्टेप थ्री में क्या है, अभी मुझे बैलेंसिंग करना है, पता चला मुझे कौन कौन अनबैलेंस है, मुझे बैलेंसिंग स्टार्ट करना है, तो मैं स्टेप थ्री में क्या करूंगा, बैलेंसिंग करना स्टार्ट करूंगा, तो क्या करूंगा, टू स्टार्ट द बैलेंसिंग ऑफ द इक्वेशन कंपाउंड कंटेनिंग द मैक्सिमम नंबर ऑफ आइटम, बैलेंसिंग करते वक्त आपको देखना है कि कंपाउंड में, मेरा ये इक्वेशन था NaOH प्लस H2SO, H2SO4 gives Na2SO4 plus H2O, ये मेरा इक्वेशन था, ओके, तो मुझे देखना है बैलेंसिंग करते वक्त कौन से कंपाउंड में ज्यादा नंबर ऑफ आइटम है, तो यहां पे देखो इसमें सोडियम एक है, ये एक है, ये एक है, तो इसमें कितने आइटम है तीन, इसमें कितने, ये दो, ये एक, ये चार, तो कितने हो गए दो प्लस वन, कितना टू प्लस वन थ्री, और फोर सेवन, तो इसमें सेवन आइटम्स, ओके, इसमें भी कितने सेवन, इसमें भी कितने, इसमें कितने थ्री, तो मुझे ऐसे कंपाउंड को पकड़ना है जिसमें ज्यादा नंबर ऑफ आइटम्स रहेंगे, तो इसमें भी सेवन है, इसमें भी सेवन, तो मैं किसी भी एक को ले सकता हूं, इसको ले सकता हूं या फिर इसको ले सकता हूं, किसी भी तो इसके साथ लेते हैं, ओके, H2SO4 को रहने देते हैं, H2SO4 को ना लेते हुए Na2SO4 को लेते हैं यहां पे, ओके, ठीक है, तो यहां पे बैलेंसिंग करते वक्त मैं किसको ले रहा हूं, Na2SO4 को ले रहा हूं, H2SO4 को नहीं ले रहा हूं, Na2SO4 को ले रहा हूं, ओके, तो यहां पे देखो Na यहां पे कितना है दो, यहां पे कितना है एक, ओके, यानी वो अनबैलेंस है, क्या है वो अनबैलेंस, सल्फर कितना है एक, यहां पे कितना है एक ही है सल्फर, ओके, तो मैं पहला किसको पकड़ूंगा सोडियम को पकड़ूंगा, किसको पकड़ूंगा सोडियम को, क्योंकि उसको बैलेंसिंग करना थोड़ा इजी है, ओके, ज्यादा नंबर ऑफ आइटम
इसमें NH2SO4 को लिया तो पहला मैं बैलेंस करूंगा सल्फर को, किसको बैलेंस करूंगा, सॉरी सोडियम को बैलेंस करूंगा, किसको बैलेंस करूंगा, सोडियम को। ओके, तो पहला मैं सोडियम को बैलेंस करना स्टार्ट करता हूं। तो मैं वहां पे क्या लिखूंगा, तो यहां पे फिर से मैं एक चार्ट बनाऊंगा। ओके, उसमें क्या लिखूंगा, नंबर ऑफ आइटम, नंबर ऑफ आइटम। ओके, कहां पे इन रिएक्टर, ओके, एंड इन प्रोडक्ट। ओके, आगे इनिशियली टू बैलेंस, टू बैलेंस। ओके, अभी किसको बैलेंस कर रहा हूं मैं, सोडियम को। रिएक्टेंट, रिएक्टेंट कौन सा है, NaOH। सोडियम किसमें, रिएक्टेंट में, इसमें। प्रोडक्ट कौन सा है, Na2SO4। ओके, रिएक्टेंट में इनिशियली सोडियम कितना है ये देखो, 1 है। प्रोडक्ट में कितना है, 2 है। तो कहां पे हम लोग को बढ़ाने का है, रिएक्टेंट में बढ़ाने का है या प्रोडक्ट में बढ़ाने का है, तो किसमें बढ़ाने का है, रिएक्टेंट में। तो रिएक्टेंट में कितना है, 1, प्रोडक्ट में कितना है, 2। तो रिएक्टेंट में भी कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। तो मैं इसको क्या करूंगा, 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, यहाँ पे 2। तो रिएक्टेंट में मेरे सोडियम कितने हो गए, 2 हो गए। तो मैं रिएक्शन लिखूंगा, कितने सोडियम हो गए, 2। ओके, तो मेरे पास ये रिएक्शन है, NaOH प्लस H2SO4 गिव्स Na2SO4 प्लस H2O, ये मेरे पास रिएक्शन है। अभी मैंने देखा कि मैंने सोडियम को कितना बनाया रिएक्टेंट में, 2 बनाया। अभी वो 2 किधर लिखूंगा, मैं इधर लिखूंगा, नहीं इधर लिखता हूं नीचे, तो ये जो कंपाउंड है उसका मॉलिकुलर फॉर्मूला डिस्टर्ब हो जाएगा। तो हमेशा इस नंबर को एज अ कोएफिशिएंट लिखूंगा, एज अ कोएफिशिएंट। तो हो गया सोडियम 2 हो गया, सोडियम कितना हो गया, 2। इधर देखो 2 सोडियम, यहां पे भी सोडियम 2। ओके, अभी आगे क्या है, आगे हम लोग किसको बैलेंस करेंगे। ओके, अभी आगे बैलेंस करते वक्त ये रिएक्शन लिखने का, उसके बाद फिर से कंपेयर करने का, नंबर ऑफ आइटम, एलिमेंट्स कौन कौन सा है, रिएक्टर में कितना है, प्रोडक्ट में कितना है, वो आपको देखना है, वो टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है। अगर आप टेक्स्ट बुक में देखते हो पेज नंबर 35 के ऊपर, तो वहां पे दिया हुआ है, देखो एलिमेंट का नाम दिया है पेज नंबर 35 पे, सोडियम है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, सल्फर है, सब एलिमेंट्स का फिर से दिखेगा। ओके, रिएक्टर में प्रोडक्ट में कितना है, रिएक्टर में देखो सोडियम है 2, प्रोडक्ट में 2, ऑक्सीजन रिएक्टर में 6 है, प्रोडक्ट में 5 है, हाइड्रोजन रिएक्टर में कितना है, 4 पे इधर देखो ये 2, ये देखो 2 आगे लिखा है, तो ये हाइड्रोजन 2 और ये 2 कितना हो गया, 4, रिएक्टर में हाइड्रोजन 4 हो गया, प्रोडक्ट में कितना है, सिर्फ 2। ओके, एंड सल्फर रिएक्टर में 1 है, प्रोडक्ट में कितना है, 1। ओके, अभी किसको बैलेंस करना इजी होगा, सोडियम तो बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन का नंबर थोड़ा डिफिकल्ट है बैलेंस करना, 6 एंड 5, यहाँ पे 6 है, कैसा 6, ये देखो ये 2 और ये 4, 6, यहाँ पे कितना है, 5, ये 4 और ये 5। ओके, तो ऑक्सीजन को थोड़ा डिफिकल्ट है, तो मैं यहाँ पे किसको बैलेंस करूंगा, थोड़ा इजी किसको पकड़ेगा बैलेंस करने के लिए, हाइड्रोजन को। ओके, तो सेम स्टेप 4 में मैं क्या करूंगा, तो मेरा आगे वाला स्टेप आएगा स्टेप 4। ओके, अभी मैं किसको बैलेंस कर रहा हूं, हाइड्रोजन को, किसको बैलेंस कर रहा हूं, हाइड्रोजन। ओके, हाइड्रोजन को कहां पे है मेरा, 2-2 है, इसमें भी है, इसमें भी है। ओके, यहां पे हाइड्रोजन किधर है, इधर। ओके, इनिशियली ये मैं निकाल लेता हूं, यहां पे भी ये निकाल लेता हूं। ओके, इनिशियली मेरा हाइड्रोजन कितना है, रिएक्टेंट में 4 है, प्रोडक्ट में कितना है, 2 है। रिएक्टेंट में किसमें है वो लिख रहे हैं हम लोग, किसमें है, इसमें, दोनों में, NaOH में भी है, H2SO4 में भी है, दोनों में, तो वो आपको यहाँ पे लिखना है। ओके, प्रोडक्ट में किसमें है, H2O में, वो आपको यहाँ पे लिखना है। ओके, तो अभी बाया लिखा किधर है, रिएक्टेंट में 4 है, प्रोडक्ट में कितना है, 2। ओके, तो 2 का हम लोग 4 बना सकते हैं, तो कैसे बनाएंगे, 2 से मल्टीप्लाई करके। ओके, तो हो गया 2 × 2 कितना हो गया, 4। तो आगे हम लोग वो रिएक्शन लिखेंगे, प्रीवियस रिएक्शन हम लोग का क्या था, 2NaOH प्लस H2SO4 गिव्स, क्या दिया था, Na2SO4 प्लस H2, ऐसा हम लोग का प्रीवियस रिएक्शन था।
स्टेप थ्री का। स्टेप फोर का हम लोगों ने किसको बैलेंस किया, हाइड्रोजन को। कहां पे बैलेंस किया है, यहां पे रिएक्टेंट में कितना है, चार। ऐसे चार, ये दो और ये दो, ये देखो ये दो चार। कहां पे बैलेंस किया है, प्रोडक्ट में। प्रोडक्ट में कितना है, दो। किससे मल्टीप्लाई किया, दो। ओके, तो हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। अभी आपको फिर से देखना है कि रिएक्शन बैलेंस है क्या। ओके, तो देखो सोडियम बैलेंस हो गया, हाइड्रोजन बैलेंस हो गया, सल्फर देखो एक है, एक है, बैलेंस है। अभी बचा क्या, ऑक्सीजन देखो यहाँ पे कितना है, दो ऑक्सीजन, ये देखो दो ऑक्सीजन, और यहाँ पे कितना है, चार, तो छह हो गया। यहाँ पे ऑक्सीजन देखो चार और ये दो, छह, तो ये रिएक्शन क्या हो गया, बैलेंस हो गया। क्या हो गया, बैलेंस। ओके, आप कैसा भी ले सकते हो, इसको पहला लेते थे तो भी चलता था, इसको पहला लेते थे तो भी चलता था, इसको पहला लेते थे तो भी हम लोग क्या करते थे, अगर हम लोग फर्स्ट हाइड्रोजन को बैलेंस करते थे तो भी चलता था, क्योंकि हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है, देखो हाइड्रोजन यहाँ पे तीन है और यहाँ पे कितना है, दो, तो भी वो बैलेंस करते थे, होता था। या फिर ऑक्सीजन को बैलेंस करते थे तो भी होता। ओके, मगर इजीयर बैलेंस करना है यहाँ पे, इसको था जो इजी पड़ रहा था बैलेंस करने के लिए, इसके लिए सोडियम सल्फेट को दिया। तो कौन सा भी ले सकते हैं, ये ले सकते हैं या फिर ये ले सकते हैं। ओके, हम लोगों ने ये लेके बैलेंस किया। ओके, बैलेंस करते हुए पहला आपको देखना है कि नंबर ऑफ एटम्स सही है और उसके रिएक्टेंट में कितने हैं, प्रोडक्ट में कितने। बाद में देखना है किस कंपाउंड में ज्यादा नंबर ऑफ एटम है, तो इसमें और इसमें। तो मैंने बैलेंस करने के लिए कौन सा लिया, ये वाला लिया। अभी उसमें मुझे देखना है कि कौन अनबैलेंस है, सोडियम देखना है, सल्फर देखना है, ऑक्सीजन देखना है, वो देखना है, कौन अनबैलेंस है वो देखना है मुझे। ओके, तो मैंने देखा कि सोडियम को अगर मैं बैलेंस करने जाऊंगा तो इजी जाएगा मुझे, तो मैंने पहला सोडियम को बैलेंस किया, उसके बाद हाइड्रोजन को बैलेंस किया, और उसके बाद किसको बैलेंस किया, सॉरी हाइड्रोजन को बैलेंस किया, और बाद में मुझे फाइनल रिएक्शन मिल गया। तो ये सर्टन स्टेप्स है जिससे हम लोग रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हैं। ओके, आपको सिर्फ दिखना है रिएक्शन बैलेंसिंग के वक्त जो डार्क लाइन में दिया हुआ है, स्टेप थ्री स्टेप टू वो दिख रहा है, और नीचे सिर्फ वो चार्ट जो बनाया है वो आपको निकालना है चार्ट। बाकी जितना भी एक्सप्लेनेशन दिया है वो एक्सप्लेनेशन नहीं बताना। ओके, सिर्फ जो मेन स्टेप फोर के आगे जो डार्क लाइन में दिया हुआ है, डार्क ब्लैक कलर में, वो लिखना है और चार्ट लिखना है एंड फाइनल रिएक्शन लिखना है। ऐसा स्टेप बाय स्टेप बैलेंस करने के लिए दो या फिर तीन मार्क्स के लिए आपको होता है, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आपको आता है। ऐसे ही आप ट्राई कर सकते हो, बहुत सारे ऐसे इक्वेशन है जो आप ट्राई कर सकते हो, उसमें उसी पेज पे पेज नंबर 35 पे भी है इक्वेशन, देखो N2 प्लस H2 वो बनाया है NH3। उसके बाद उसी पेज पे और एक रिएक्शन जो वर्डिंग में दिया है, ओके, उसको पहला केमिकल फॉर्मूला लिखाना है आपको, कैल्शियम क्लोराइड का एंड सल्फ्यूरिक एसिड का प्रोडक्ट बनता है कैल्शियम सल्फेट एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वो वाला रिएक्शन भी आप बैलेंस कर सकते हो। उसके बाद SO2H2S वाला रिएक्शन, उसके बाद AgHCl वाला रिएक्शन, एंड आपके टेक्स्ट बुक में एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 7 है, वहां पे बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन भी किया है, तो वहां पे आप कैसे बैलेंसिंग कर सकते हो उसके बारे में दिया हुआ है। ओके, तो याद रखने का है कि रिएक्शन कैसे बैलेंसिंग किया जाता है, क्वेश्चन आपको एग्जाम में आता है। ओके, ठीक है, तो यहाँ पे ये बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन।